Adab, namaste. My name is Nawa Naseem and I'm a president, newly elected president of Women's College Student Union, AMU, this year. Adab, namaste. My name is Nawa Naseem and I'm a newly elected president of Women's College Student Union, AMU. We can continue, na? Yeah. Okay, so Nawa, we'll start with you talking about the rally. And aapne kyun bike pe jana, kyun kya aapne kiya aur aapne bike mein decide karna kyun, why did you decide to rally on a bike? Theek hai. ओके देखिए, बाइक चलाना कोई ऐसा नहीं कि विमेंस एम्पावरमेंट में आता है. क्या चीज़ विमेन एम्पावरमेंट में आती है कि बाइक जो है वो लड़कों का डोमेन है, लड़के चला सकते हैं, लड़कियां नहीं चला सकती. उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना हमारे लिए विमेंस एम्पावरमेंट था और हम इस चीज़ को बहुत वेलकम करते हैं, इनक्रेज करते हैं और इस कैंपस में इसलिए लेकर भी आएँ. और लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या आपको क्रिटिसिज्म मिला, क्या आपको लोगों ने वाहवाही भी दी? दोनों जाहिर सी बात है, दोनों चीज़ें हुई होंगी, तो उसके बारे में बताइए. देखिए, अगर हम इंडियन स्ट्रक्चर की बात करें, इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो हम दो तरह के लोग पाते हैं, एक बहुत ओपन माइंडेड और एक स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी. लेकिन ये हम पर है कि हम किस तरह रिसीव करते हैं, उनको परसीव करते हैं. तो हाँ, एक तरफ बहुत ज़्यादा आप जैसे लोग आए और बहुत ज़्यादा इंकरेज किया, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी दी कि एक नया है, एक पुश है विमेंस एम्पावरमेंट की तरफ. लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि एक तरफ आप लड़कों का मुकाबला कर रही हैं, आप लड़की हैं, आपको अपने उसमें रहना चाहिए. तो हाँ, इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं हम, ऑफ कोर्स करते हैं. और जब ये हुआ तो आपको कैसा फील हो रहा था? क्या आपको लड़कियों ने देख के ये भी बोला कि नवा जो आप कर रही हैं वो हमने कभी नहीं देखा था? तो यहाँ AMU की लड़कियों का क्या रिएक्शन था? AMU की, स्पेशली अगर AMU पूरे कैंपस की बात करें, तो लड़कियों लड़का दोनों का ही यही कैंपस है. ओके, बाइक, वो भी बुलेट एक लड़की चला रही है, तो वो बहुत ज़्यादा अलग था. शॉकिंग भी था, सरप्राइजिंग भी था, कहीं ना कहीं इनकरेजमेंट भी बहुत मिल रहा था हमें. तो एक न्यू था, एक न्यू एम्बियंस तैयार करने की हमने कोशिश की, जो हम अपने कैंपेन में एक आए लेकर बात आए कि हम इस बार विमेंस सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे, हम विमेंस फ्रीडम की बात करेंगे. विमेंस सिक्योरिटी हमें चाहिए, लेकिन हेजीमेनिक सिक्योरिटी नहीं चाहिए. तो हम उसके अगेंस्ट खड़े रहे. मैंने अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन ही इसलिए स्टार्ट किया था. हाँ, नाउ लेट्स कम टू योर कैंपेन. आपने बोला कि आप हाँ, तो सिक्योरिटी के बारे में आपने, विमेंस फ्रीडम के बारे में बात की है इस कैंपेन में, उसके बारे में क्या आपका मकसद है वो बताइए. देखिए, सिक्योरिटी हमेशा एक तरह से यूज़ की जाती है. मैं एक बार 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 एक टर्म यूज़ करी, हेजीमेनी. ये हेजीमेनिक सिक्योरिटी के अगेंस्ट हम खड़े हैं. वो सिक्योरिटी जो हमें सप्रेस करे, वो सिक्योरिटी जो हमें ऑपरेस स्टेटस दे, वो सिक्योरिटी जिसमें हमें सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ किया जाए ताकि आप अपना इंटरेस्ट हम पर इम्पोज कर सकते हैं, उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट हम आए. क्योंकि चाहे दिस इज़ नॉट ओनली यू नो वॉट इन द डायरेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक, दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू AMU. This is the whole scenario of our country to great extent, and we are talking in a broader sense. हम बहुत broader sense में बात कर रहे हैं. तो वो security, अगर 16 तारीख दिसंबर की आप बात करें, तो निर्भया केस को भी हम इसी तरह देखते हैं. उसमें मैंने पोस्ट पे लिखा कि वो एक ऐसी जर्नी है, इट्स नॉट अ रेप केस, वो एक ऐसी जर्नी है जो एक स्ट्रगल है, वुमेन्स स्ट्रगल को दिखाती है, जो इंड करे रेप कल्चर को, और एक तरह मैसेज भी देती है उस मेन डोमिनेटेड सोसाइटी को जो औरतों के दिमाग के अंदर सिक्योरिटी नाम का एक डर पैदा करते हैं. तो वो एक है कि वो बेड पर थी निर्भया, उसके बाद वो सिक्योरिटी ना डिमांड करके सोशल जस्टिस डिमांड कर रही थी. तो हम उस चीज़ को भी एक तरह से आगे ले जाते हैं उस स्ट्रगल को देखकर. तो आप AMU में क्या ऐसा बदलाव लाना चाहती हैं सिक्योरिटी से, क्या क्या है आपका मैनिफेस्टो में, क्या है आपका मेन मुद्दा? देखिए, जब मैं इस कैंपस में आई, तो जो सबसे पहली जिस चीज़ की कमी लगी मुझे, वो ये था, इस विमेंस कॉलेज की मैं बात करूँगी स्पेशली, क्योंकि मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ. जो बेसिकली चीज़ कमी लगी वो ये था कि ये पॉलिटिकली वाइब्रेंट कैंपस नहीं है. जब मैं कहूँ पॉलिटिकली वाइब्रेंट, तो हम 18 यहाँ पे हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अबव 18 है, तो वी हैव अ राइट टू फॉर्मुलेट आर गवर्नमेंट. और अगर हम गवर्नमेंट बनाने का हक रखते हैं, तो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ गुड गवर्नमेंट. इसलिए सबसे पहला मुद्दा मेरा ये था कि पॉलिटिकली वाइब्रेंट बनाए, जितना हो सके अवेयर करे इशूज़ से. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि विमेंस सिक्योरिटी, जैसे एक यहाँ पर हमारे इस पूरे कैंपस की बात करें, तो अब्दुल्ला हॉल, आई एम अ हॉस्टलर, मैं यहाँ रिसाइड करती हूँ अब्दुल्ला हॉल में, यहाँ 8 हॉस्टल हैं. तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट पे जो है रिस्ट्रिक्शंस, वो ये है कि वो सिर्फ संडे को बाहर जा सकते हैं.
सात दिन में सिर्फ संडे को बाहर जा सकते हैं, वो भी 10 से 5, जो कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। वी आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, वी आर डिमांडिंग, पीसफुली डिमांडिंग टू द अथॉरिटी कि आप हमें दीजिए 7 डेज आउटिंग दीजिए, आप कॉलेज आर तक दीजिए। वी आर नॉट गोइंग टू इंडेंजर द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन्स, बट वॉट वी आर गोइंग टू इंडेंजर इज हेजीमेनिक सिक्योरिटी हियर, एंड इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली गोइंग टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इट। तो क्यों ज़रूरी है लड़कियों का बाहर जाना? क्योंकि एक एक जो है थॉट है, वो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि बेटियां बाहर जाएं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? अगर फ्रीडम मिले तो वो सिक्योरिटी वाला जो आपने बात बोली उसको कैसे टैकल करेंगे, और सिक्योरिटी नहीं एंडेंजर करेंगी आप? देखिए, हम एक होती है सिक्योरिटी, एक होती है हेजीमेनिक सिक्योरिटी। हम हेजीमेनिक सिक्योरिटी के अगेंस्ट हैं, हम सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, हम इंडेंजर इसलिए नहीं करने वाले कि हम लेट नाइट नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ कॉलेज आर तक मांग रहे हैं, जो कि हमारी एक फंडामेंटल नीड बन चुका है कि पहला हमें एक्सपोजर चाहिए, और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है लड़कियों को। दूसरा, यहाँ पे लड़कियों को एक्सपोजर नहीं मिलता तो वो कुछ समझ नहीं पाती कि वो कहाँ जाए, क्या करे। अल्टीमेटली उनका एक ही गोल बन जाता है कि उन्हें शादी करनी है। तीसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कियों को बाहर निकल के फियर, जो मेरे लिए पर्सनल लेवल पे मैं बोलूँगी, फियर इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। आप कोई एक ऐसा बंदा है जो सांप से डरता है, और मैं नहीं डरती, सांप तो डेंजरस है, लेकिन हाँ, फियर इज़ द स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पूरा इम्प्लाई होता है। तो उस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं कि लड़कियों में जो हेजीमेनिक सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें ऑप्रेस किया जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम इंशाल्लाह आगे आएंगे। और आपने बोला जब लड़कियां बाहर जाएंगी एएमयू कैंपस से, अगर आपका ये सफल होता है तो उससे क्या बदलाव आपको लगता है उनकी लाइफ में आएगा? सबसे पहले तो एक्सपोजर मिलेगा, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उन्हें ये पता चलेगा, खुद एक इंडिपेंडेंसी आएगी, वो डिपेंड नहीं रहेंगी किसी के। अगर हम बाहर नहीं जा पाते तो कहीं ना कहीं से हम मंगाते, तो एक इंडिपेंडेंसी का सेंस आएगा उनके अंदर कि नो, हम बाहर जा सकते हैं, हम स्टैंड ले सकते हैं, हम इक्वल हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें एक और रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फुल राइट दिया है, तो हम वो भी इन्फ्यूज़ करना चाहेंगे कि वी आर इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनली। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस अ फुल राइट to move anywhere, to reside anywhere, to go anywhere. तो वो constitutionally awareness भी आएगी, तो वो lead करेगी politically awareness में। तो इंशाल्लाह we will definitely going to ponder on these issues. And you know, जो आप कह रहे हैं security का problem, women's freedom जो है वो most Indian colleges का problem है। Yes, this is the problem, yes. तो आप आपको larger context में क्या बोलना है? Because most colleges curb women's freedom. तो आप as a politically aware person, आपका क्या टेक है इस सब चीज़ों में? मैं ये कहूँगी, जो वहाँ से स्टार्ट हुआ था पिजड़ा तोड़ मूवमेंट, बहुत ही अच्छा था, और इंशाल्लाह हम जो एक स्प्रिंग है स्टार्ट हुआ है एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट या एज अ स्टूडेंट डेमोंस्ट्रेशन। You have to ask again? The same question, women's freedom in the context of all that's happening all over the country. Okay. हाँ जी, हम देखते हैं पूरे इंडिया में जो एक स्ट्रक्चर है स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल का, मैं बहुत ब्रॉडर सेंस में बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे गर्ल्स को हमेशा अंदर किया जाता है इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। और ये जो है, ये पूरी इंडिया का एक स्ट्रक्चर है, तो हम लिबरल स्ट्रक्चर के लिए पहली बात काम करेंगे कि, और एक और है, जो लड़कियां आई, अगर हम BHU का भी इंसिडेंट, रिसेंट इंसिडेंट देखें, उसमें जो प्रोटेस्ट था लड़कियों का, वाकई में बहुत ही इनकरेज करने वाला था, हम सबको इनकरेज किया उसने, हमने भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, ऑर्गेनाइज़ कराया AMU में प्रोटेस्ट यहाँ पर। तो इस तरह से प्रोटेस्ट के थ्रू, डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, काउंसलिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस लाना चाहेंगे और इनकरेज करेंगे ऐसे मूवमेंट्स को ब्रॉडर स्केल पर। नबा, यू नो, AMU की स्ट्रगल, डू यू हैव अ टेक ऑन द फैक्ट कि वुमेन स्ट्रगल्स आर ऑल द सेम, राइट? या, इट इज सेम एवरीवेयर, बट डू यू थिंक दैट डिफरेंट कम्युनिटीज हैव डिफरेंट स्ट्रगल्स? यस, एवरीवेयर, यू नो, इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टी, व्हाट डू यू से, इंडिया रिप्रेजेंट्स मल्टी कल्चरलिज्म, ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत कम्युनिटी है। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, या हम हिंदू कम्युनिटी की बात करें, या किसी भी कम्युनिटी की बात करें इन जनरल, मुस्लिम्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले जो हर कम्युनिटी में एक चीज़ सेम आती है, वो है विमेंस सिक्योरिटी, ठीक है। तो एक मुस्लिम कम्युनिटी में हम ऐसा देखते हैं कि विमेंस हर जगह स्टीरियोटाइप होती है, इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू मुस्लिम कम्युनिटी, इट इज़ ऑल्सो कन्फाइंड टू अदर कम्युनिटी, हर जगह होते हैं। तो उससे ये है कि आप देखते हैं कि हर फैमिली का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेल डोमिनेट करता है,
तो उस स्ट्रक्चर को अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को अपना थोड़ा चेंज करना होगा, हमें ऐसा करना होगा जिससे लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा जाने अपने हक को, अपने राइट को, और उससे यूटिलाइज़ कर सके। तो हर कम्युनिटी की ये प्रॉब्लम है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर हम मुस्लिम में देखें तो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, हिंदू में देखें तो हिंदू पर्सनल लॉज हैं, बहुत इस तरह की चीज़ें हैं जो हम नहीं हैं उनके रिलीजन में लेकिन उनकी कम्युनिटी में है। तो हम इसे ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली वे कम आउट ऑन दैट। और आपने बात की विमेन की पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स में, कितना ज़रूरी है ये, और तो इसके बारे में आप क्या करना चाहती हैं और आप अपनी एग्जांपल्स से क्या दिखाना चाहती हैं कि विमेन इन पॉलिटिक्स कितनी ज़रूरी है? देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं, चाहे सिविक पोल्स का हो चाहे लोकसभा का हो, ये देखा जाता है कि जो मेल होता है वो डिसाइड कर देता है कि आपको इन्हें वोट देना है, और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जितनी औरतें होती हैं, मोस्टली ये देखा जाता है इंडिया में जो स्ट्रक्चर है इस वक्त, कि वो जाके वोट कर देती हैं। तो विमेंस का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं रुक जाता है, और डेमोक्रेसी में जो है वो हर किसी का पार्टिसिपेशन चाहिए, पेरेनियल और कंटिन्यूस, ठीक है, पार्टिसिपेशन चाहिए एज अ सिटीज़न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विमेंस का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में हो, ताकि विमेंस उनसे इंस्पायर हो कि ठीक है, ये विमेन है पॉलिटिक्स में आई है, तो एक एक्ट्स एज अ इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी अगर विमेंस का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। और रही बात मेरा पॉलिटिक्स में आने की, तो मैं पॉलिटिक्स को एक दूसरे लेवल पर देखती हूँ। मैं पॉलिटिक्स को एक ऐसे टूल की तरह देखती हूँ जिसको यूज़ किया जा सके उन कम्युनिटी को उठाने के लिए जो ऑप्रेस्ड कंडीशन में है। मैं एक प्रो दलित हूँ, दलित इस वक्त सबसे ऑप्रेस्ड है, मैं एक प्रो कश्मीरी हूँ, कश्मीरियों के साथ जो चीज़ें जो अनजस्ट होता है, स्पेशली अनजस्ट, और जो भी चीज़ें हाईलाइट नहीं होती है, आई रियली वॉन्ट टू हाईलाइट दैट इशूज़। आई एम ऑल्सो अ वेरी, मैं हमेशा विमेंस राइट के साथ खड़ी हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं विमेंस को कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पार्टिसिपेशन अगर विमेंस का होगा पॉलिटिक्स में। वुमेन इन पॉलिटिक्स, मोर वुमेन पॉलिटिशियंस क्यों ज़रूरी हैं? एक फाइनल, आपने अभी बताया कि वुमेन एज वोटर की क्या पावर है, बट अ वुमेन एज पॉलिटिशियन की आपके हिसाब से क्या पावर है और क्या ड्यूटी होनी चाहिए? एक चीज़ मैं कहूँगी कि वुमेन जो है एक बहुत अच्छा मैनेज कर सकती है। जैसे आप घर में देखते हैं तो बहुत ही अच्छी, सबसे अच्छा जहाँ औरतें नहीं रहती वहाँ पर घर इतना अच्छा नहीं रहता, अमूमन ये देखा जाता है, इट्स पर्सनल नॉट अ जनरल। तो औरतें बहुत अच्छा मैनेज कर सकती हैं, वो बहुत सेंसिटिव भी होती हैं और इश्यूज़ को लेकर, तो अगर विमेंस पॉलिटिक्स में आती हैं तो वो बहुत अच्छा मैनेज भी करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, वो सेंसिटिव भी होगी, जो सेंसिटिविटी है विमेन की वही उनको डिफरेंट बनाती है वो मेल काउंटर पार्ट से। तो पॉलिटिक्स में अगर वो आती हैं तो इस तरह से हम देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगी इंशाल्लाह ताला, और सेंसिटिव भी होंगी डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। और एक फाइनल मैसेज बताइए आप टू गर्ल्स ऑल ओवर द कंट्री हु विल हैव द चांस टू गो थ्रू दिस वीडियो, अपनी लाइफ से या कोई पर्सनल एग्जांपल से, यू नो, व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? पहली चीज़ कहूँगी कि जो एक है, आप लोग फियर जो है इन्फ्यूज़ कर दिया गया हमारे माइंड में कि आप बाहर निकलेंगी तो ये हो जाएगा, बाहर निकलेंगी तो वो हो जाएगा, उससे बाहर आइए, बाहर देखिए चीज़ें, स्ट्रगल कीजिए। जब आप आएंगी स्ट्रगल में शामिल होंगी तो आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील करेंगी, और फियर इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, आई मस्ट से अगेन, ठीक है। दूसरा, जहाँ भी अनजस्ट होता है उसके ख़िलाफ़ बोलिए, यही मैसेज देना चाहूँगी मैं, चाहे वो विमेंस, अपने आप को सिर्फ विमेंस क्वेश्चन से कन्फाइंड ना कीजिए। एक्ट यू मेक यू फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ एक्टिंग एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो आप एक सिटीज़न हो इंडिया के, आपके पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनली, आपके पास क्या राइट है, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, आप उससे अवेयर हुई है। और यही मैं कहना चाहूँगी कि विमेंस क्वेश्चन से डोंट कन्फाइन टू जस्ट विमेंस क्वेश्चन, आप आइए रिप्रेजेंट कीजिए एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। दिस इज़ माई लास्ट मैसेज।